बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचपन में लगता था कि नमाज़ ना पढ़ने पर सज़ा मिलती है और अब पता चला कि नमाज़ की तौफीक ना मिलना ही सज़ा है। अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की रेसिपी कंडेंस मिल्क, जो कि बहुत सी मिठाइयों में यूज़ होता है, आइसक्रीम में यूज़ होता है, आगे चल के मैं वो रेसिपियाँ बनाऊँगी जिसमें ये कंडेंस मिल्क यूज़ करूँगी। मैं जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कंडेंस मिल्क में मैंने सबसे पहले 1 kg यानी 1 किलो दूध लिया है। फुल फैट मिल्क अगर आप लेंगे तो उसमें ये ड्राई मिल्क डालने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ग्लास नॉर्मल दूध था तो उसमें 5 टेबल स्पून मैंने ड्राई मिल्क के डाले हैं और 200 ग्राम चीनी डाली है। इन सबको डाल के तो मैं पका लूँगी और लास्ट पे क्या यूज़ करेंगे जिसकी वजह से ये थिक होगा और देर पा महफूज रहेगा। ये देखिए, ये मैंने दूध, चीनी और ड्राई मिल्क डाल के इनको पकने के लिए रख दिया। इसको इतना पकाना है कि ये आधे से भी कम रह जाएगा और थिक हो जाएगा। और इसको हल्की आंच पे पकाना है। हल्की आंच पे पकाएंगे ना तो ये इसकी चीनी कैरमलाइज होगी, इसका कलर निकलेगा और लाइट सा क्रीमी सा कलर भी आएगा जैसा कि कंडेंस मिल्क का होता है। ये देखें, क्योंकि काफ़ी हद तक ये पक चुका है, ये काफ़ी गाढ़ा भी हो चुका है और अभी मैं इसको मज़ीद और पकाऊँगी गाढ़ा करने के लिए। ये देखिए, ये और पका है। लास्ट पर मैंने इसको चूल्हा तेज़ किया और इसमें मैंने 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर जो भी आपके पास अवेलेबल हो ये डाल दें और इसको मिक्स करते जाएं और चूल्हे को बंद कर दें। चूल्हा बंद कर दिया और इसको मैं मिक्स करती जाऊँगी। इतना मिक्स करना कि इसकी थोड़ी सी हीट कम हो जाए। और ये इसके मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर डालने से ये देर पा तक महफूज रहेगा और जो है ना ये थिक भी उसी से होगा। ये देखें, काफ़ी हद तक ये थिक भी हो गया। ये देखिए, ये अभी गर्म है, जब ये ठंडा होगा ये और थिक हो जाएगा। इसको आप वाटर में डाल के फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में रख दें। ये अभी नीम गर्म है। ये देखिए, ये थिक हो गया, लेकिन अभी ये मैं फ्रिज में रखूँगी, ये मज़ीद थिक होगा।